हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट एथमेटिक प्रोग्रेशन पे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 2014 में जो भी होंगे 4 मार्क्स का ही होगा, 5 मार्क्स का तो आता ही है। तो दो क्वेश्चन है और करके होगा, तो एक पार्ट मैं इस वीडियो में बनाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड वीडियो में बना देंगे, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी वीडियो बनाऊँ आपको मिस ना आउट ना हो, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, पहला 7 टर्म और फिर नेक्स्ट 7 टर्म, यानी 7 टर्म और 7 टर्म, टोटल कितना हो गया 14 टर्म। तो 14 टर्म तक मैं ऐसा ले लूँ A3 डॉट 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 A7, ठीक है, फिर A8 डॉट 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 कहाँ तक, 14 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया फर्स्ट 7 टर्म, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया नेक्स्ट 7 टर्म। तो दिक्कत है, 7 7 14 टर्म होंगे ना टोटल एक एपी में। तो यहाँ से यहाँ का सम बोल रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट A7 का सम दिया हुआ है 63, एंड सम ऑफ इस नेक्स्ट 7 टर्म इसका भी सम दिया हुआ है A8 प्लस A9 प्लस डॉट 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 A14, कितना है दिया हुआ है 161। समझा रही है बात। तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे सम के, तो सम A7 दिया हुआ है, यहाँ 7 इंडिकेट करता है कि हम फर्स्ट से सम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको S14 कर देंगे लिख देंगे, नहीं, S14 लिखने का मतलब कि हम फर्स्ट टर्म से ऐड करते आ रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट टर्म से ऐड कहाँ कर रहे हैं, तो 8 टर्म से ऐड कर रहे हैं ना। तो S14 बनाना होगा, S14 बनाने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट 7 टर्म ये लिख ही नहीं सकते हैं। S14 बनाने के लिए क्या होगा, पहला से लेके यहाँ तक का टोटल सम, तो यहाँ से यहाँ कितना है 63, और यहाँ से यहाँ कितना है 161, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो S7 जब निकल के आ गया तो यहाँ से हो जाएगा 63 इक्वल टू 7/2, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी पुट कर दीजिए, 2a n-1 यानी 7-1 6d, तो 7 से 9 बार में 9 2 18, 2a प्लस 6d, 2 कॉमन ले लेंगे तो 9 इक्वल टू a प्लस 3d, एक इक्वेशन निकल के यहाँ आ गया, इसमें करते हैं 3 और 1 4 6 6 12 की बात में 1 224, S14 लगाएं तो 14/2, 2a प्लस n-1 यानी 14-1 13d, सॉल्व करिए, इस 7 से कट गया, 7 से भी कट जाएगा, 7 3 7 2 यानी 32, तो 32 इक्वल टू 2a प्लस 13d, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन a एंड d सॉल्व हो जाएंगे, तो a प्लस 3d इक्वल टू 9 है ना, a प्लस 3, यहाँ पे 2a है, तो इसको 2a बनाने के लिए दो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। अब ये वाला लेके आते हैं, 2a प्लस 13d इक्वल टू 32, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस 7d, ये कितना हो जाएगा माइनस 14, तो d यहाँ से आ गया 2, और a कितना आ जाएगा, d 2 आया तो 3 2 ए 3 आ जाएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, 3 2 या 6 6 माइनस होगा तो 3 ही आएंगे, निकालना क्या था 28 टर्म, तो a 28 इक्वल टू a प्लस n-1 यानी 28-1 इंटू डी, a है 3, 27 इंटू डी 2, तो 54 और 57 आंसर आ गया, ठीक है। एक इसके और वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।